छत्रपति शिवाजी महाराज के पुतले का खंडन हुआ, आपको पता नहीं है? इतना तो मतलब बुरा लग रहा है, बहुत बुरा लग रहा है। वो पूछते तो बात अलग है, सबको पता है ना हम क्यों आ रहे हैं वहां। हमारे लिए जो देवता समान छत्रपति शिवाजी महाराज का पुतले का खंडन हुआ, महाराष्ट्र की अस्मिता धारा तीर्थ पर गिरी, हमारी आस्था, हमारी अस्मिता, हमारा स्वाभिमान सब कुछ टुकड़े टुकड़े होकर वहां गिरा था। और इतना अपमान होने के बावजूद भी उसका समर्थन करने वाले राजनीतिक दलों के सत्ता पक्ष के लोग उसकी निर्भत्सना करे तो क्या करे। हम तो यहां कहते हैं, भारतीय जनता पार्टी खुद कहती है, छत्रपति शिवाजी महाराज के आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के साथ, शर्म नहीं आती क्या? कहा बची होगी तो देख लो, अगर आई तो। और इसीलिए पिछले कुछ दिनों में आपने देखा होगा आदरणीय उद्धव जी ठाकरे साहब जिस तरह से इसके बारे में पेश आए कि भाई ये महाराष्ट्र का अपमान है। अब तो हम तो जनतंत्र के मुताबिक हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज का यहाँ भी एक पुतला है तो वहां जाकर अभिवादन करना चाहते हैं, तो हमारे ही महाराष्ट्र में हमें ही पुलिस रोकती है कि वहां अभिवादन भी करने नहीं जाना। यहाँ झंडे लगाए थे भगवे, दिखते है क्या कोई? रात को यहाँ 500 झंडे लगाए थे भगवे, गेरुए झंडे हमारे, झंडे ही निकालते हो आप लोग? गेरुए झंडे से भी नफरत आई क्या आपको? हिंदुत्व की बात करते हो, झंडा भी निकालते हो, और इतने लाचार पुलिस मैंने कभी नहीं देखी। कल जो जाकर वहां पुलिस नोटिस देने गई उसको गाली गलौज किया इनके विधायक ने, वहां क्या करते हाईकोर्ट कुछ डाल के आते क्या? हाईकोर्ट का प्रधानमंत्री हो, देवेंद्र सभी ने माफी मांगा तो क्या हुआ? कि कभी मांगी वो भी तो बताओ, राजनीतिक है ना स्टेटमेंट भाई। प्रधानमंत्री हर स्टेटमेंट राजनीतिक करते, इतनी संवेदना होती तो मणिपुर में जाते, पुतला गिरने के बाद में भी कल परसों आए तब माफी मांगे, वाडवन के लोगों को भी माफी मांगनी पड़ेगी एक दिन, ये ध्यान में रखना। आप जिस ढंग से छत्रपति शिवाजी महाराज का अवमान करते हो, यहाँ छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस है, वहां मैंने कहा था राज सिंहासनाधिष्ठित एक पुतला वहां खड़ा करे, आज तक कहते नहीं नहीं नहीं। उनकी चेयरमैन बोर्ड के, रेलवे बोर्ड के, और वही वल्लभ भाई पटेल का पुतला लगता है, स्टेशन के नाम बदल जाते हैं, केवड़िया नाम रखा जाता है, या नाना शंकर सेठ का नाम बदलना है, नहीं बदलते हो। महाराष्ट्र का हर वक्त अपमान करना, यही तो केंद्र शासन की नीति बनी है, सत्ता पक्ष की नीति बनी है, आज भी वही हो रहा है, और पुलिस के जरिए हमारा अपमान कर रहे हो। क्यों परमिशन, क्या जरूरत थी भाई? अभिवादन कर रहे हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज के पुतले को अभिवादन करने, आपकी परमिशन लगेगी? सोच ले महाराष्ट्र की जनता सोच ले। ये जो रूट रखा गया है, ये अभिवादन हुतात्मा चौक से इंदिर हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे चौक और उसके बाद में ये गेट पे, तो ये रूट क्यों स्पेशल का तय किया? क्योंकि भाई जा ये महाराष्ट्र की, ये भी तो महाराष्ट्र की अस्मिता है, महाराष्ट्र का निर्माण का ये स्थान है। 106 लोगों ने अपनी जान कुर्बान करके मुंबई सहित महाराष्ट्र जो पाया उसका ये स्थान है, तो यहाँ हम पहले अभिवादन करते, यहाँ से गुजरेंगे तो इनको अभिवादन नहीं करे, तभी तो महाराष्ट्र मुंबई मिली है ना। ये पुलिस को क्या मालूम जो कल पैदा हुए हैं, उनको पता है क्या? उनकी उम्र भी नहीं है, और यही तो बुरा लग रहा है हमें, यही तो हमारे लिए बहुत बुरा लग रहा है। ये 1960 से पैदा हुए कितनी पुलिस यहाँ खड़ी पूछ लो, जिनको क्या मालूम है मुंबई कैसे मिली, इतिहास भी नहीं मालूम होगा। इसलिए कहता हूं कि ये जो है राजनीतिक नहीं है, ये आंदोलन महाराष्ट्र की अस्मिता का है, आस्था का है, महाराष्ट्र का अवमानित किया गया उसका है। एक आखिरी सवाल, हाईकोर्ट ने जिस हिसाब से पटकारा है कि ये आंदोलन नहीं किया जाए, ऐसी नोटिस दी गई, हाईकोर्ट को पूछो ना बंगाल में क्या किया, बंगाल में भारतीय जनता पार्टी ने आंदोलन किया, जाओ हाईकोर्ट को पूछो, यही हाईकोर्ट है ना, जाओ उधर जाके पूछो ना, मेरा नाम लेकर पूछो। बंगाल की हाईकोर्ट अलग है क्या? भारतीय जनता पार्टी आंदोलन करती है तो सही है, और हम विपक्ष के लिए आंदोलन करती है तो राजनीति है।
बंद पुकारा था ना वहां, या बंद पुकारने की बात कोर्ट कहती, वो सदा सर्वदा वो जाता है गुलाम उनका, कोर्ट उसको मानती है। दोपहर तक नहीं मानी थी, दोपहर के बाद में आया होगा, तो बंद को बना कर दिया कोर्ट ने। कोर्ट को पूछो बंगाल में बंद क्यों नहीं किया, भारतीय जनता पार्टी ने जो बंद पुकारा तो मना क्यों नहीं किया, क्यों सुप्रीम कोर्ट ने शो मोटो नहीं किया, हमारे लिए सब कुछ कानून कानून है क्या? हम जनतंत्र के मुताबिक शांतिपूर्ण जाकर अभिवादन करना चाहते हैं।